गूगल की सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनी यूट्यूब बिना रेट सब्सक्रिप्शन के भी पिक्चर इन पिक्चर मोड फीचर्स को इनेबल करने के लिए टेस्टिंग कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई है कि यूट्यूब ने इसके लिए टेस्टिंग शुरू कर दी है। पिक्चर इन पिक्चर मोड में आप अपने स्मार्टफोन में अन्य काम करते हुए एक कॉर्नर में YouTube वीडियोस को भी देख सकते हैं। YouTube यूजर्स को इसके लिए YouTube रेट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। आपको बता दें कि YouTube के लेटेस्ट OS Android Oreo 8.0 के लॉन्च के समय इसके खास फीचर्स में पिक्चर इन पिक्चर मोड का भी जिक्र किया गया था। अगर आप Android Oreo 8.0 यूजर हैं तो आप इस खास फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि YouTube का पिक्चर इन पिक्चर यानी कि PIP मोड फीचर केवल YouTube रेट सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है, जिसके लिए यूजर्स को 9.9 अमेरिकी डॉलर लगभग 676 रुपए प्रति महीने खर्च करने पड़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ यूजर्स बिना किसी सब्सक्रिप्शन के ही इस फीचर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि YouTube रेट का सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स पिक्चर इन पिक्चर मोड फीचर्स के अलावा म्यूजिक वीडियो बिना किसी एड के देख पाते हैं, यानी कि विज्ञापन के देख पाते हैं। पिक्चर इन पिक्चर मोड में यूजर्स YouTube वीडियो को स्प्लिट करके स्क्रीन पर किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं। उसके बाद यूजर्स अपने स्मार्टफोन में कोई और भी काम कर सकते हैं और साथ में YouTube पर वीडियो भी देख सकते हैं। हालांकि YouTube ने फिलहाल पिक्चर इन पिक्चर मोड को फ्री यूजर्स के लिए रोल आउट नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो Android Oreo 8.0 यूजर्स कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इस फीचर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने V4 Innovative को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा एक ऐप है जिसका नाम है AwareBooks, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ 7 या 8 MB का है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।